हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बिग बॉस 14 में अपने इविक्शन से नाराज़ हैं सारा गुरपाल। बेघर करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कह दी उन्होंने गुस्से में ये बात। वेल दोस्तों, सलमान खान के होस्टिंग वाले टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 से बड़ी उम्मीदें थी सारा गुरपाल को। जी हाँ, वो पंजाबी सिंगर और एक्टर के तौर पर घर में आई थी और एक ही हफ्ते के अंदर घर से बाहर भी चली गई। जबकि शुरू में ये माना जा रहा था कि सारा शो में पिछले सीजन की स्टार रही पंजाबी सिंगर शहनाज गिल की कमी पूरी करेंगी, लेकिन पिछले सीजन के ही विनर और इस बार सीनियर के रूप में घर में मौजूद सिद्धार्थ शुक्ला ने सारा को पहले ही हफ्ते में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि सारा इस फैसले से बेहद खफा है। उनके मुताबिक सिद्धार्थ का उन्हें बेघर करना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था, क्योंकि उन्हें चोट भी लगी हुई थी और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सारा ने कहा कि एक हफ्ता बहुत कम होता है, उस पर जब मैंने घर में एंट्री की थी तब रिजेक्टेड जोन में थी, वहाँ कपड़ों का इशू था और चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं था, बहुत ही बुरा हाल था। उसके बावजूद मैंने सब चीज़ें किनारे रखकर गेम खेला, टास्क में अपने बाल तक कटवा दिए, घर में मेरी सभी के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, सिर्फ एक बंदे ने मुझे नॉमिनेट किया था। टास्क में भी सिर्फ सिद्धार्थ के लैप डांस वाले इस टास्क के अलावा बाकी दोनों टास्क मैंने काफ़ी अच्छे किए थे। बुलडोज़र वाले टास्क में मुझे गहरी चोट लग गई थी, मैं सुबह से अपनी आँखें नहीं खोल पाती थी, उसमें पस भर जाता था, रोज़ डॉक्टर आता था, मेरे इंजेक्शन दवाएँ चल रही थी। ऐसे में अगर अपनी हेल्थ ठीक ना हो तो फनी और बबली साइड दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी मैंने टास्क में 100% दिया। सीनियर्स में हीना और गौहर भी इस फैसले से सहमत नहीं थे। तो सिर्फ एक इंसान के वोट से ऐसा कैसे हो सकता है और ये कहाँ तक सही है? 13 लोगों के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है पर एक बंदे के साथ अच्छा नहीं है तो क्या आप घर से बाहर हो जाएंगे? इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और सिद्धार्थ के इस फैसले पर भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनका कहना यह है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और उन्हें घर में दोबारा से एंट्री दी जाए। वेल दोस्तों, इस तरह की खबरें तो आ ही रही हैं कि सारा गुरपाल घर के अंदर दोबारा जा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।